तो यार कैसे हो यार सब लोग। सो गाइज वेलकम बैक अगेन यार। पबजी मोबाइल के न्यू वीडियो आ चुकी है यार तुम सभी लोगों के लिए। एंड मेरे को पता है बहुत लोग पबजी मोबाइल की वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। सो तुम सब लोग यार यहाँ पे देख सकते हो यार इंटरफेस चाइनीज़ वर्जन है। मैंने 0.9.5 इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और मैंने खुद पर्सनली इसको खेल के देखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। सीरियसली मैं तुम्हें पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ इसके बारे में, कैसे कैसे है ये और जो इसकी मेन खासियत है वो मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ। जिन जिन लोगों ने नहीं खेला है तो शुरू करते हैं। सो गाइज यार यहाँ पे मैं तुम्हारे को मेन चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो जो 0.9.5 वर्जन है अपना चाइनीज़ वर्जन है जो अभी चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, बट लेकिन अपना जो ग्लोबली जो ग्लोबल अपडेट आएगा वो भी टाइम लगेगा आने में थोड़ा, क्योंकि अभी हम 0.7 पे हैं तो यार टाइम तो बहुत लगने वाला है। और मैं तुम्हारे को इसकी बहुत सारी जो एडवांटेजेस हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो यार ये बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा, और इसका रीज़न ये है इन्होंने यार इनबिल्ट गेम के साथ यार बूस्टर दिया है, गेम बूस्टर दिया है। जैसे तुम गेम इंस्टॉल करोगे तो गेम बूस्टर भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो तुम्हारे गेम को बिल्कुल भी लैग नहीं होने देगा। आई मीन सारा गेम का जो प्रोसेस है वो संभाल के रखेगा उसे। और इस वर्जन के जो सबसे मेन खासियत है ना वो है यार इसमें बॉट्स नहीं है भाई। इसमें ना यार एक मोड है, आर्केड मोड है वो, लेकिन अभी तुम्हें लगा होगा कि आर्केड मोड तो यार सिर्फ 28 प्लेयर्स का होता है, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो यार अलाइव यहाँ पे दिखा रहा है 99 बंदे दिखा रहा है। तो ये आर्केड मोड ऐसा है इसमें 99 बंदे मतलब 100 प्लेयर्स का आर्केड मोड है, और जब तुम इसको खेलोगे तो तुम्हें एक सिंगल बंदा भी बॉट नहीं मिलेगा यार। सीरियसली यार भाई मैंने मेरे को यकीन नहीं हो रहा था पहले तो इस बात पे, जब मैंने खुद खेला ना तब मेरे को पता चला यार मैं एंड तक पहुंचा हूँ। मैंने ये राउंड अभी बहुत बार खेला है, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक एक बार भी विन नहीं कर पाया उसमें, क्योंकि यार सीरियसली एंड तक पहुंचने तक ही मैं एंड तक पहुंचता हूँ जहाँ पे 4 या 5 बचते थे बंदे, उसमें यार कोई ना कोई यार गोली मार ही देता था आगे ना पीछे से, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी बॉट्स नहीं है, सारे के सारे 100% प्लेयर्स हैं। और जो मेन बात है ना तो यार तुम्हारे को इसमें मैप में कोई साइन दिखेगा गन का, जब कोई तुम्हें शूट करेगा या तुम किसी को शूट करोगे तो मैप में यार तुम्हें कोई मार्क नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हमारे वर्जन में क्या होता है, हम लोग जब खेलते हैं जो कोई एनिमी हमारे आसपास आ जाता है तो क्या होता है हमें उसके फुटप्रिंट्स दिखाते हैं। जैसे कि तुम किसी रूम में हो और बाहर कोई बंदा घूम रहा है तो तुम्हें उसके फुटप्रिंट्स दिखाते हैं ना, पैरों के निशान दिखाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिखाता यार। बिल्कुल पबजी पीसी वाला ही है यार ये वाला मोड, और इसलिए मैं तो खुश हो गया यार ये मोड सुन के। और जब मैंने खेला तो मेरे को सीरियसली बहुत ही मज़ा आया यार खेल के। और अभी हम लोग यार यहाँ पे उतर रहे हैं और हम लोग अभी नीचे उतर के देखते हैं। और इसमें तुम रैंगल ही खेल पाओगे, इसमें सिर्फ तुम रैंगल खेल पाओगे, इसमें और कोई मोड अवेलेबल नहीं है जस्ट लाइक मीरामार एंड सनोक, ये सब अवेलेबल नहीं है। उनमें तुम्हें भले ही बॉट्स मिल जाएंगे लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलरली मोड है ना, तुम आर्केड मोड का सेक्शन ओपन करोगे और तुम्हें वहाँ पे साइड में दिखाई देगा एयरप्लेन बना होगा, वहाँ पे अगर तुम देखोगे तो भाई उस वाले मोड में खेलना है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसमें यार तुम्हें देखो जो ये मैं सामान पिक कर रहा हूँ ये मैं खुद बटन क्लिक करके पिक कर रहा हूँ, इसमें ना तुम्हारा ऑटो पिकअप काम करेगा, इसमें तुम्हें खुद ही सारा का सारा सामान पिक करना होगा। और जब तुम गन उठाते हो तो देखना मैं कोई गन उठाऊंगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक रीलोड नहीं होगी, जैसे हम कोई गन उठाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 गोली से रीलोड हो जाती है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन इसमें तुम्हें खुद रीलोड करना पड़ेगा हर बार। जैसे तुमने कोई फायरिंग करी एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, गन को रीलोड करना पड़ेगा खुद। और इसी चक्कर में तो मैं कई बार खुद नॉकआउट हो गया क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं थी यार ऐसे खेलने की, लेकिन जब मैंने खेला और यहाँ पे मेरे को किसी बंदे की आवाज़ आ रही थी तो यहाँ पे देखना मैं इसलिए थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ। इस मोड में यार तुम ऐसे नहीं खेल पाओगे कि तुम बाहर बाहर घूम रहे हो रोडों पर घूम रहे हो, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें अगर तुम ऐसे बाहर घूम के खेलोगे ना तो तुम भाई ख़त्म हो, इतनी गारंटी है, तुम्हें खेलना पड़ेगा देख के। और यहाँ पर बंदा है और ये देखो ये रहा और ये गया और ये गया और ये खड़ा हुआ है, मेरे को लग रहा है यार इसका ना गेम बंद हो गया होगा इसलिए खड़ा हुआ है। अब तुम लोग सोच रहे हो बॉट था, ये बॉट नहीं था, ये एक प्लेयर खड़ा था उसका आई गेस गेम क्लोज हो गया होगा, डैट्स वाई वो एक ही जगह रुका रह गया। और देखो एक और बंदा, देखो ये सामने से प्लेयर गया और मैंने इसके कुछ शूट्स करे थे बट लेकिन मेरे पास पिस्टल था यार तो इसलिए, और मेरे पास इतनी बुलेट्स भी नहीं थी तो अगर मैं इसके सामने जाता तो वो मेरे को 100% मार देता। तो मैंने क्या करा, मैं चला गया और मैंने जाके सोचा कि मैं पहले गन फाइंड कर लूँ एक। अभी तुम लोग देखना जैसे ही मैं गन उठाऊंगा तो तुम लोग देखना वो ऑटोमेटिकली रिलोड नहीं होगा, तुम लोग देखना खुद। और इसका मेन रीज़न यही है देखना, ये देखो ये गन उठाई, देखो ऑटोमेटिकली रिलोड नहीं हुआ है वो गन और मैंने रिलोड करा उसको। सो मेरे को M16A4 मिली है। सो यार
मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि यार पीसी वर्जन जैसा फीलिंग आ रहा है बिल्कुल, और सारी चीज़ें ऐसी ही हैं यार, मतलब नो फुटप्रिंट्स, नो मार्क्स, सब कुछ यार मतलब पीसी वाला। तो मुश्किल तो है खेलना, बट लेकिन यार जब तक हमें गेम चैलेंजिंग नहीं मिलेगा तो कैसे मज़ा आएगा। क्योंकि अभी यार तुम लोग जो पबजी खेलते हो अपना 0.7 वर्जन है, तुम्हें भी पता है 100 में से कम 50 या 60 बॉट होते हैं यार उसमें, तो उस गेम को खेलने में यार कोई मज़ा नहीं आता। सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसे गेम को खेल के जीतने का क्या फ़ायदा है यार जिसमें यार बॉट्स ही बॉट्स भरे होते हैं। तो भाई सच में कह रहा हूँ बेकार है। और ये देखो बंदा घूम रहा है, मैं उसको सीधा ऐसे आँख बंद करके गोलियाँ नहीं चला रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार में उसको किल करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यार मैं उसको गोलियाँ मारूँ और वो बच जाए। तो देखो ये बच गया, इस बार भी निकल गया वो। अब मेरे को और ज़्यादा देख के खेलना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अभी वो सामने ही है बिल्कुल मेरे, और यही चल रहा है बड़ी देर तक। सो यार सीरियसली बहुत ही अच्छा मोड है, मैंने तो यार बहुत खेला बट लेकिन मैं अभी तक जीता नहीं हूँ। इतना ज़्यादा नहीं खेला मैंने, 3 या 4 गेम खेला इसमें, ठीक है। और अगर तुम्हें ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है 0.9.5 चाइनीज़ वर्जन, तो तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके तुम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हें इसमें दो ऑप्शन होंगे, वी चैट या फिर क्यूक्यू अकाउंट। क्यूक्यू भी एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें तुम चाइनीज़ में कनेक्ट कर सकते हो, जैसे अपना फेसबुक होता है ना वैसे ही। सो ये दो ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा वी चैट से कनेक्ट करना, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं यार मेरा गेम कहाँ तक चलने वाला है, ठीक है इस गेम में। और पहले तो मैं उस बंदे को मारूंगा सबसे पहले, तो ये जो मेरे सामने वाले रूम में है बिल्कुल। और भी बहुत चीज़ें यार इस वाले मोड में बढ़िया। और मैंने ये गेम पूरा ऑलमोस्ट अच्छी तरह खेल लिया था, मतलब कि इसके सारे मोड्स खेले थे मैंने, रैंगल सैनोक भी मैं खेल चुका हूँ इसमें, बट लेकिन उसमें भी बॉट्स थे, ठीक है। उसमें भी कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ बॉट्स थे, उसमें भी 100% रियल प्लेयर्स नहीं थे, बट इस वाले मोड में 100% रियल प्लेयर्स थे जहाँ तक कि मैंने यार बिल्कुल एक्सपीरियंस करा है ये वाला मोड खेल के। सो देखो यार मैं तुमने अगर तुम सब लोग यार मेरी पबजी की लाइव देखा है तुम में से किसी ने, तो तुम्हें पता होगा कि मैं इतना ज़्यादा कभी भी देख के खेलता ही नहीं हूँ यार, कभी भी नहीं भाई, सच में कह रहा हूँ इतना मैंने देख के कभी खेला ही नहीं है। बट लेकिन इस मोड में मेरे को खेलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई मजाक नहीं है भाई ये मोड। और हम लोग दूसरे रूम में चल के देखते हैं। और मैं बहुत ही अभी इस टाइम थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ यार, क्योंकि जैसे ही क्लोज कॉम्बैट होगा वहाँ पे भाई मुश्किल हो जाता है इसलिए। और देख सकते हो तुम लोग मैं बार बार रूम से निकल रहा हूँ, बार बार रूम से उतर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा कहीं भी हो सकता है। और इसमें डोर्स भी तुम्हें यार ऑटोमेटिकली ओपन करने पड़ेंगे। और उसने स्मोक कर दिया यार, उसने स्मोक कर दिया। सो देखते हैं वो कहाँ पे है, ठीक है। और वो सामने वाले घर में है, दिख गया मेरे को वोरा दिख गया मेरे को। और ये लगी नहीं उसकी, नहीं लगी। और ये रहा ख़त्म। ये गया भाई, गया बिल्कुल भाई। हमने यहाँ पे एक और बंदे को चिपका दिया। और अब हम लोग देख लेते हैं यार यहाँ पे, और एक और बंदा था इधर यार यहाँ पे, तो मैं उसको थोड़ा देख लेता हूँ, देन हम लोग जाकर लूट लेंगे फिर, बिकॉज़ मेरे पास अभी इतना रिसोर्सेज नहीं है कि मैं आगे तक कंटिन्यू कर पाऊँ गेम में। सो यहाँ पे देख लेते हैं और हम लोग लूट लेते हैं। और इसके पास तो बहुत कुछ है यार यहाँ पे लूटने के लिए। Thank you.
आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ? मेरी गन रीलोड नहीं थी यार। मैंने बोला था ना यार, इसमें ऑटोमेटिक रीलोड नहीं होता है, बिल्कुल जीरो पे यार अटक जाता है गेम। मतलब जीरो पे आके गन अपने आप रुक जाती है एंड हमें खुद रीलोड करना पड़ता है। सो मेरी सारी बुलेट्स वहाँ पे यूज़ हो गई थी, देन इसलिए मैं उसको मार नहीं पाया। सो भाई यार सीरियसली ये मोड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एंड इसलिए मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बारी खेल के देखो, तुम्हें असली पबजी वाला फील आएगा। जो अभी तक हम लोग पबजी खेल रहे थे ना, वो इतना यार खास पबजी नहीं है क्योंकि उसमें बॉट्स बहुत होते हैं, इसमें है यार अपने 100% प्लेयर्स। इसमें सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है। सो अगर तुम लोगों को डाउनलोड करना है तो जाके डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड मार लो। और इसके अलावा यार तुम्हें कोई भी यार क्या बोलते हैं इसके लिए क्वायरी है, कोई भी सवाल है, कुछ भी है इसको लेकर डाउट है, तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और जो मेन चीज़ है, मैं सोच रहा था यार मैं इस वाले पबजी पे ना, इस वाले मोड में मैं FPP खेलूं, क्योंकि तुम सभी को पता है TPP तो हम सब लोग खेलते हैं, TPP ईजी होता है FPP से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पूरा गेम FPP खेलूं, तो तुम लोग मेरे को बताओ तुम लोग इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो कि नहीं, कि मैं पूरा ये वाला मोड FPP में खेलूंगा। पूरा चैलेंजिंग गेम होगा वो, एक चैलेंजिंग वीडियो होगा, तो मेरे को बताओ यार एक बार ही, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताना। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना एंड चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार अगर पहली बार आया हो तो। मैं मिलूंगा यार तुम्हारे से यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।